डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खालिया, 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 खालिया। इस ताले पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये गरजदार आवाज और पुर असर मुकालमे उस फनकार के हैं जिसने 5 दहाइयों पर मोहित अपने फनी कैरियर में करोड़ों नाज़रीन के दिलों पर राज किया। रोमानवी, संजीदा और अलमिया किरदार से लेकर कॉमेडी तक अमिताभ बच्चन ने अपने हर किरदार पर गहरी छाप छोड़ी। बिलाशुबा अमिताभ बच्चन को शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के बाद भारत का हर दिल अजीज फनकार कहा जाता है। वो सदी के बेहतरीन अदाकार का एहसास भी अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 50 साल से जायद पर मोहित अपने फनी सफर में 200 से जायद फिल्मों में काम किया, जबकि 16 फिल्मों के लिए वॉइस ओवर भी की। हैरान कुन बात यह है कि उन्हें कैरियर में मिलने वाले 4 नेशनल अवार्ड्स में से 3 60 साल की उम्र गुजरने के बाद मिले। उनके माली असासे $400 मिलियन से जायद बताए जाते हैं। उन्होंने फिल्मी कैरियर के इब्तिदा ही से मुकर्रा वक्त पर सेट पर पहुंचने को आदत बनाया। वो साथी अदाकारों और टेक्निकल स्टाफ के साथ आजिजी और शाइस्तगी के साथ पेश आते थे। वो पहले एशियन शख्स थे जिनका मोमी मुजस्मा उनकी जिंदगी में ही लंदन के मादाम तुसाओ म्यूजियम में रखा गया। हांगकांग, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बैंकॉक और नई दिल्ली के अजायब घरों में भी उनके मुजस्मे मौजूद हैं। फ्रांस ने उन्हें एजाजी शहरियत और मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। 1991 में फिल्म खुदा गवाह की अफगानिस्तान में शूटिंग के दौरान उन्हें अफगान सदर मुमलिकत ने आला तरीन सिविलियन तमगा पेश किया। 2007 में लंदन ओलंपिक गेम्स से कबल वो टॉर्च रिले का हिस्सा बने। उनकी जिंदगी पर निफ्स दर्जन किताबें भी लिखी गईं। 2002 में उनकी तहरीर करदा एक किताब मंजरे आम पर आई। ऑस्ट्रेलिया की लाट्रोब यूनिवर्सिटी ने उनके नाम से स्कॉलरशिप का इजरा किया। इलाहाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सड़क को भी उनसे मंसूब किया गया। सखम में एक झरने का नाम अमिताभ बच्चन फॉल रखा गया, जबकि कोलकाता में लोगों ने उनको भगवान करार देकर मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दी थी। अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रेखा, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर और माधुरी से लेकर रणवीर सिंह तक फिल्म इंडस्ट्री के लगभग तमाम सिफे अव्वल के फनकारों के साथ काम किया। 70 और 80 की दहाई में अमिताभ बच्चन की मकबूलियत उरूज पर थी। हेयर कटिंग की दुकानों पर उनकी तस्वीर चिस्पा की जाती थी और लोग उन जैसा हेयर कट बनाने पर इसरार किया करते थे। बाजारों और मार्केटों में उनकी तरह के कपड़े हाथों हाथ फरोख्त हो जाते थे। दर हकीकत अमिताभ बच्चन भारत में एक सुपरस्टार नहीं बल्कि बिजनेस ट्रेंड बनकर उभरे थे। फिल्म जंजीर में उनके एंग्री यंग मैन के रोल से मुतासिर होकर कई जोड़ों ने उस साल पैदा होने वाले अपने बच्चों का नाम अमिताभ रखा था। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि फिल्मी कैरियर के आगाज में अमिताभ बच्चन को सांवले रंग, लंबे कद और भारी आवाज की वजह से नजरअंदाज कर दिया गया था। कई फिल्मी इदारों ने उनकी पोर्टफोलियो तस्वीर को कचरे की टोकरी में डाल दिया था, जबकि अमिताभ बच्चन ने जिंदगी में ही अपनी वसीयत लिख ली थी जिसके मुताबिक अकलौते बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता नंदा में तमाम जायदाद यकसा तकसीम होगी। वो 11 अक्टूबर 1942 को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए थे। उनके वालिद श्री हरिवंश राय बच्चन अपने जमाने के मकबूल तरीन शायर थे। उनकी वालदा तेजी बच्चन सामाजिक कारकुन और घरेलू खातून थीं। अमिताभ बच्चन ने इब्तदाई तालीम इलाहाबाद के
सेंट मैरी स्कूल से हासिल की। बाद में वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज चले गए थे और फिर नई दिल्ली के करोड़ी मल कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की, जिसके बाद वो चंद माह तक नौकरी तलाश करते रहे मगर कामयाब न हो सके। इस दौरान एक दोस्त के मशवरे से वो सरकारी रेडियो पर इंटरव्यू देने के लिए गए, लेकिन यहाँ उनकी आवाज को भद्दी करार देकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता होकर चंद दोस्तों के साथ नई दिल्ली से कलकत्ता मुंतकिल हो गए, जहाँ वो 5 साल तक प्राइवेट इदारों में मामूली तनख्वाह पर छोटी मोटी मुलाजमतें करते रहे। अमिताभ बच्चन ने कंपनी रेड एंड को में 1600 रुपए महाना पर भी काम किया। वो सुबह से शाम तक दफ्तर का जरूरी काम निपटाते, जिसके बाद शाम को ड्रामा थिएटर करते। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उनके सर पर अदाकारी का जुनून सवार हो गया। लिहाजा 1968 में अमिताभ बच्चन ने कलकत्ता को अलविदा कह दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो फिल्म नगरी में अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए साबिक भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी का सिफारशी खत लेकर मुंबई आए थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन को अमली जिंदगी की जद्दोजहद के सफर में कई रातों तक मरीन ड्राइव की फुटपाथ पर भूखा प्यासा भी सोना पड़ा था। उनके लिए हालात इतने खराब हो गए थे कि वो फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम भी करने के लिए तैयार हो गए थे। और एक दिन जब वो स्टूडियो में लाइन में लगे हुए थे तो शशि कपूर ने उन्हें दूर से देख लिया। इस मौके पर शशि कपूर ने अमिताभ की सरजनिश करते हुए उनसे कहा, तुम छोटे मोटे किरदारों के लिए नहीं बने बल्कि गहरे समंदर के खिलाड़ी हो, खुद को ऐसे जाया ना करो। स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान कॉमेडियन महमूद ने भी अमिताभ बच्चन की काफी मदद की और वो चंद अरसे तक उनके घर पर भी ठहरे थे। अमिताभ बच्चन की फनकाराना सलाहियतों को निखारने में यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई का भी खासा किरदार रहा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जब पैदा हुए थे तो उनका नाम इनकलाब श्रीवास्तव रखा गया था, क्योंकि उनके वालिद अंग्रेज सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान की तहरीक आजादी के लिए जद्दोजहद में मसरूफ थे। बचपन में चंद मर्तबा नन्हे अमिताभ बीमार पड़े तो उनके वालिद ने एक शायर दोस्त समर्था नंदन पंत के कहने पर उनका नाम तब्दील करके अमित आभा यानी ना खत्म होने वाली चमकती रोशनी रख दिया, जो बाद में अमिताभ हो गया। 7 नवंबर 1969 को अमिताभ बच्चन ने अपने जमाने के मशहूर कहानी नवीस और हिदायतकार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी के जरिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ताहम इससे कबल वो एक फिल्म भुवन शूम को सिर्फ 300 रुपए के एवज बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज दे चुके थे, जो सदाकारी के लिए नामौजू करार देकर ऑल इंडिया रेडियो से 2 मरतबा मुस्तरद कर दी गई थी। 7 हिंदुस्तानी के मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ को इनकी सलाहियतों पर काफी भरोसा था। वो अक्सर बिग बी के मुख्तलिफ जाविये से तस्वीर उतारा करते थे। एक दिन ट्रेन में सफर करते हुए अजिताभ की मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई, जिसने उन्हें बताया कि ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा तलाश कर रहे हैं। अजिताभ ने उनके हाथों अपने भाई अमिताभ की तस्वीर भेज दी। इस फिल्म में टीनू आनंद को भी एक किरदार करना था, जिसमें वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि इनको हिदायतकार सत्यजीत रे का मौविन बनने की पेशकश की गई थी। लिहाजा अदाकारा नीना सिंह की तजवीज पर टीनू आनंद ने दुबले पतले और दराज कद के अमिताभ बच्चन का नाम ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने रख दिया। पूरी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को 5,000 रुपए दिए गए, हालांकि वो मुलाजमत से महाना 1600 रुपए कमाते थे, लिहाजा वो अपनी पहली फिल्म में कम मुआवजा मिलने पर मुतमईन नहीं थे। 7 हिंदुस्तानी की शूटिंग बम्बई के बजाय गोवा में की गई, जिसके लिए मशहूर मेकअप आर्टिस्ट अंधारा जोकर के पास वक्त ना था, लिहाजा अमिताभ बच्चन को मस्नूई दाढ़ी लगा दी गई। वो इस गेटअप में एक हफ्ते तक
सड़कों पर घूमते रहे। इस फिल्म में बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान नौजवान शायर अनवर अली का किरदार उंदगी के साथ अदा करने पर अमिताभ बच्चन की खूब तारीफ हुई और उन्हें बेस्ट न्यू कमर का नेशनल अवार्ड भी मिला। मगर फिल्मी कैरियर के हवाले से अमिताभ को कोई खास फायदा नहीं पहुंच सका।